बात करें अगली खबर की तो जनपद नैनीताल के लालकुआ में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अपनी लोकसभा क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से बड़ी सौगात देते हुए साप्ताहिक अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। ये यहाँ की स्थानीय जनता की बहुत पुरानी मांग थी, तो ये पॉपुलर डिमांड पर जो है ये साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। ये मेल एक्सप्रेस ट्रेन है और ये 1:50:16 1:50:15 नंबर की ये गाड़ी है। यहाँ से ये दोपहर में चलेगी 1:40 पर और ये सुबह अमृतसर पहुँचाएगी, अर्ली मॉर्निंग पहुँचाएगी और फिर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ से वापसी है। तो ये हफ्ते में एक दिन ये गाड़ी रुद्रपुर रामपुर होते हुए ये अमृतसर के लिए सेवा। रिस्पॉन्स है, अभी पहले रन में ही जो है इसमें स्लीपर में 70% बुकिंग हो गई है और बाकी सभी आम जनता तक जानकारी पहुंचेगी। तो मेरी उम्मीद है कि ये जो है इसका पूरी जनता सामान्य किराया रखा गया है, इसमें जो है स्पेशल ट्रेन का किराया नहीं है और जो है बाकी सभी जो नॉर्मल ट्रेन सर्विस चलती हैं मेल एक्सप्रेस उसके अनुसार किराया इस गाड़ी का रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और उन्होंने जो बात हमने संसद में उठाई जिसके लिए मैं बार बार रेल मंत्री जी से मिलता था, मैंने प्रार्थना मुख्यमंत्री जी से करी, प्रधानमंत्री जी से करी, उन्होंने तत्काल प्रभाव से ये रेल प्रारंभ कर दी है। अभी अयोध्या के लिए रेल ले जाना है उसको भी चला रखा है और अभी हम लोगों ने कई प्रकार की रेलें और चले उसके लिए भी मैंने कोशिश करी है। हवाई जहाज की भी कोशिश कर रहे हैं कि अमृतसर तक और अयोध्या तक यहाँ से हवाई जहाज भी लगे, ईश्वर चाहेगा तो सारी जितने संकल्प हमने लिए हैं ये